चरण चुंबक पत्रकारों और चरण चुंबक न्यूज एंकर्स के शोज में ही जाएंगे, जो उनसे भोले भाले मीठे मीठे सवाल पूछें। पर मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। अगर अब आपको ये सारे नेता किसी न्यूज खास न्यूज एंकर के या किसी खास न्यूज चैनल में दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि ये चरण चुंबक मीडिया के पास जा रहे हैं कि वो कम्युनलाइज कर रहा है, वो हेट को स्प्रेड कर रहा है, चैनल्स का बहिष्कार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये वो पत्रकार हैं, ये वो न्यूज एंकर्स हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी अभी भी बची हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश का विपक्ष अक्सर गोदी मीडिया की बड़ी बात करता है। आपने गोदी मीडिया शब्द सुना होगा? हाँ भाई हाँ। और विपक्ष के नेता अक्सर गोदी मीडिया की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं कुछ लोगों पर कि ये गोदी मीडिया है। लेकिन इस फैसले से आप समझ सकते हैं कि अब विपक्ष के नेता खुद ही अपने लिए अपना एक नया गोदी मीडिया बनाने का काम कर रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? आपने एक शब्द सुना होगा, चरण चुंबक। अब विपक्ष के इस इंडिया गठबंधन को चरण चुंबक पत्रकारों की तलाश है। उन्होंने चरण चुंबक पत्रकारों की एक लिस्ट बना ली है और अब उन्होंने ये तय किया है कि वो सिर्फ चरण चुंबक पत्रकारों और चरण चुंबक न्यूज एंकर्स के शोज में ही जाएंगे, जो उनसे भोले भाले मीठे मीठे सवाल पूछें, जो उनसे कभी कोई मुश्किल सवाल ना पूछें, जो उनकी हार में भी जीत देखें। अगर अब आपको ये सारे नेता किसी न्यूज खास न्यूज एंकर के या किसी खास न्यूज चैनल में दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि ये चरण चुंबक मीडिया के पास जा रहे हैं। और अगर कुछ और ऐसे पत्रकार हैं जिनका ये बहिष्कार कर रहे हैं, जिन चैनल्स का बहिष्कार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये वो पत्रकार हैं, ये वो न्यूज एंकर्स हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी अभी भी बची हुई है। दोस्तों, गोदी मीडिया का बड़ा बिल्ला कहे तो चौधरी जी तिहाड़ वाले विपक्ष के बायकॉट के बाद फूट फूट कर रोता हुआ दिख रहा है। कहिए तो खिसियानी बिल्ली बना हुआ है और गोदी मीडिया चरण चुंबक फलाना ढिमका करता दिख रहा है, जैसा कि आपने यहाँ पर भी देखा। पर सच तो ये है कि ये चौधरी जी तिहाड़ वाले ही खुद बड़ा चरण चुंबक है। फिरौती के मामले में तिहाड़ जेल भी जा चुका है। ये फेक न्यूज फैलाने का चलता फिरता फैक्ट्री है और हाल ही में फेक न्यूज फैलाने को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर एक केस भी दर्ज करवाया है। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चौधरी जी तिहाड़ वाले वो सारे गोदी एंकर जिन्हें इंडिया गठबंधन ने बायकॉट किया है, वो कितने बड़े चरण चुंबक हैं जो मोदी सरकार से कभी भी असल मुद्दों पर सवाल तो नहीं पूछते और खुद को बड़ा राष्ट्रवादी पत्रकार बताते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये कभी पत्रकार ना थे ना है और पूरा उम्मीद है कि ना रहेंगे। ऐसे चरण चुंबक के बारे में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी क्या कहते हैं, गौर फरमाइए। ये मीडिया दो मास्टर को सर्व करने के लिए आया है, एक मास्टर जो उसको ओन करता है और एक मास्टर जो पॉलिटिकल मास्टर हैं एक तरह से। सही पकड़े हैं। बाद में कई एंकरों ने उसे छोड़ा भी, तो मुझे कोई शक नहीं था कि ये कौन है, हु इज ही। धरती पे जितने भी न्यूज चैनल है वो खरीद सकते हैं, पर मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इस तरह के मीडिया को क्रिटिसाइज किया है कोर्ट ने कि वो कम्युनलाइज कर रहा है, वो हेट को स्प्रेड कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन आप जब भी रिचर्ड क्वेश्चन करेंगे इस इंडियन मीडिया को, वो आके कहेगा कि आपने इंडिया को क्रिटिसाइज कर। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने रवीश कुमार जी को सुना, जिनके सवालों से भाजपा इतना डरा करते थे कि इनके डिबेट को ही बायकॉट कर दिया और कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता इनके डिबेट में नहीं आया करता था। क्यों? क्योंकि ये देश के असल मुद्दों पर सवाल पूछते थे, जवाबदेही तय करते थे, सत्ता से सवाल पूछते थे, मोदी सरकार से सवाल पूछते थे। खैर, गोदी मीडिया के बारे में रवीश कुमार ने बहुत पहले ही बता दिया था कि इन्हें देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अपने मालिक से कभी भी सवाल नहीं पूछते, सिर्फ विपक्ष से ही सवाल पूछते हैं। और ये सारे गोदी मीडिया के चरण चुंबक पिछले कुछ सालों से पत्रकारिता के आजादी के नाम पर यही सब करते हुए चाटुकारिता कर रहे हैं, कहिए तो चरण चुंबक बने हुए हैं। तो जो काम सरकार ऑफिशियली नहीं कर सकती थी, वो काम न्यूज चैनल करने लगे और वो प्रोवोक करने लगे लोगों। मजा आया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।